हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो केम होना छो कशकाय। मैं आ गई हूँ खुशी आपके लिए और एक एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक गाना, एक सॉन्ग जो कि आज के एपिसोड के बारे में काफ़ी खास है और एपिसोड ऑफ द वीक है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड है। और सैटरडे के वार में लग गई है क्लास अफसाना खान की, तो उसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे और बताऊंगे सलमान सर ने आके क्या 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 बोला और कैसा रहा उसका एपिसोड। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके चलो शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? मैं आ गई हूँ परम सुंदरी आपके साथ। आपको मेरा वेट रहता है ना, इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और मेरी बातें सुनते रहना प्लीज़। ओके ना, तो मैंने बोला कि मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी, तो मैं आपको उतनी आवाज़ अच्छी नहीं है फिर भी मैं सुना रही हूँ, तो सुन लेना भाई लोग प्लीज़। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आँखों में आँखें डाल के दगा करता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आज होने वाला एकदम मस्त एपिसोड, मस्त वीडियो, तो वेट एंड वॉच। तो सबसे पहले आए सलमान खान और आते ही उन्होंने बताया कि कौन कौन नॉमिनेट है। तो विशाल नॉमिनेट है, विधि नॉमिनेट है और अफसाना भी नॉमिनेटेड है एंड जय नॉमिनेट है। ये लोग नॉमिनेटेड हैं, तो देखते हैं इस बार कौन जाता है घर से बाहर। तो सबसे पहले सलमान आए और उनका मूड एकदम ऑफ लग रहा था और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, बोला हैप्पी विजयदशमी। और उसके बाद वो घर में सबसे मिलवाया, उन्होंने घर में गए सभी मुख्य घर वाले और जंगलवासी को एक जगह बिठाया। उसके बाद उन्होंने चेयर मंगवाया है और बैठ गए, चेयर मंगवाया है और बैठे हैं चेयर पे। उसके बाद उन्होंने जो क्लास लेनी शुरू की है कि आप लोग ये करने आए हो, आप लोग WWE चल रहा है क्या यहाँ पे, कुश्ती चल रही है यहाँ पे या फिर क्या चल रही है, एंटरटेनमेंट का आपके दिमाग में क्या डेफिनेशन है ये बताओ मुझे। ये उन्होंने पूछा सभी से और कहा कि अगर आपके बच्चे देखेंगे, आपकी वाइफ देखेगी, आपके घर वाले देखेंगे, आपके सिस्टर मम्मा जो भी है वो देखेंगी आपका ये टीवी पे ये, तो मतलब क्या आप मतलब उनको दिखाना चाह रहे हो? आप इतना चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, अग्रेशन दिखा रहे हो। तो आपके मान लो जय को उन्होंने कहा कि आपकी मान लो बेटी है, तो बेटी आपकी देखेगी तो वो क्या देखेगी कि पापा ऐसा कर रहे हैं बिहेव, तो क्या कहोगे उनको कि स्क्रिप्टेड है सो? तो सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने जो बोला वो स्क्रिप्टेड था, क्या वो कलर्स वालों ने बोला था, क्या वो बिग बॉस की टीम ने बोला था या फिर एंडेमॉल वाले ने बोला था, किसने बोला था? मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग बताएं यहाँ सबको कि ये स्क्रिप्टेड था क्या या फिर आप लोगों ने खुद बोला था। खान ने कहा कि बारी बारी से इंडिविजुअली बताओ कि ये हम लोगों ने नहीं कहा था आपको करने के लिए, आपने खुद ने कहा है। तो फिर उन्होंने सिम्बा को कहा कि आप जो अभी जा रहे हो, अभी सही जा रहे हो, मैं आपको बहुत शांत समझ रहा था कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, म्याओ टाइप। तो आप अभी सबसे अच्छा अभी चल रहे हो, डिग्निटी मेंटेन करके चल रहे हो
और उन्होंने उमर रियाज से पूछा कि उमर रियाज भी थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम ठीक कर रहे हो ना। फिर उसने बोला कि तो सलमान ने कहा कि आप क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है आपका। तो बोले उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। तो बोले कि क्या आपको आगे काम नहीं करना है, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, आगे काम नहीं करना। अगर यहाँ पे आप आके आप सोच रहे हो कि मैं एक स्टार बन जाऊँगा, तो क्या आप ये आपकी सोच सही है। उमर ने कहा कि बहुत मीन चीज़ें बोले जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए ऐसा हो जाता है। फिर सलमान ने कहा इस डज नॉट मैटर कि कौन क्या बोलता है, आप अपनी मतलब अपना सही रखो। तो फिर आपको बाहर जाके काम भी करना है, अगर आप काम करना भी चाहते हो, अगर इस तरह का बिहेवियर आपका देखेंगे बाहर लोग, तो आपके पास आएगा कौन। तो एक तरह से आसिम रियाज जी को एक मुझे लगता है कि अभी शांत कर दिया गया है, तो अभी वो एक सप्ताह तक शांत ही रहने वाले हैं। और पिछले सैटरडे को प्रतीक को शांत किया गया था कि वो बहुत जोश में थे और बाकी कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि बाकी सब भी नज़र आए, तो प्रतीक को थोड़ा शांत करवाया गया है बोल के। और उसके बाद अभी काफ़ी लोग नज़र आ रहे, विशाल, तेजा, जय, सबका विधि, सब अभी दिख रहे हैं, सिम्बा। तो अभी जो भी वो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं सलमान। अभी फ़िलहाल उमर को शांत करवाया है, और जय को भी बोला कि आपके बच्चे अगर देखेंगे तो कैसा होगा, ये कैसा उनको लगेगा, तो सही नहीं लगेगा ना, तो ये सब मत करो, उन्होंने समझाया। अरे बाबा, ये जो कंबल में घुस के हो रहा, ईशान और मायशा का हो रहा था कंबल में घुस के। सलमान ने कहा भाई कंट्रोल करो, तुमने जो एक सप्ताह में हमें दे दिया है ना, वो हमें नहीं चाहिए कंटेंट, तो बहुत ज़्यादा दे दिया है तुमने, इतना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तुमने तो इतना ज़्यादा दे दिया, भाई संभल लो, आगे आपको एपिसोड में देखना भी है, आगे आपके बच्चे देखेंगे, फैमिली देखेगी, तो क्या 10 साल बाद 15 साल बाद आप अगर देखोगे ये एपिसोड तो कैसा लगेगा उनको, बताओ। तो यही उन्होंने समझाने की कोशिश की है ईशान को और मायशा को, कि वो थोड़ा संभल के रहें, कुछ तो हो रहा है बिग बॉस के घर में, कुछ तो हो रहा है जो हमें नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम भी देखना चाहते हैं बिग बॉस, हम परम सुंदरी तो खास करके। उसके बाद आते हैं अफसाना पे। अफसाना का जो भी एपिसोड में दिखाया गया खतरनाक था, मतलब पागलों की थी, तरह बिहेव कर रही थी, और कैसा उनसे बात करने के लिए आई थी कि मैं आपने मेरा शर्ट खोल दिया था, तो फिर सभी ने समझाया अफसाना को, तो सॉरी बोलने गई थी, पाँव वाँव छू के पूरा सॉरी बोला उन्होंने। समिता अफसाना को बोल रही थी और विशाल भी कुछ बोल रहे थे अपने तरफ से, कि जो उनको बोलती हैं अफसाना वो बोल रहे थे, और समिता भी बोल रही थी। अफसाना पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्या क्या बोला उसने। उसने कहा कि विशाल भरी उम्र में मर जाए मैं बद्दुआ करती हूँ, और घटिया औरत। विशाल को उसने जनानी बोला, और ये बद्दुआ दी, और फिर उसने अपने भी परिवार वालों को बोला कि सब मर जाए, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला, गुस्सा में उसने बहुत कुछ बोल दिया। तो ये जो विशाल को बोला ये बद्दुआ, वो तो बहुत गलत ही था। मैं जब देख रही थी मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे। और समिता शेट्टी भी उस टाइम पे रोने लगी, क्योंकि वो अब उनको भाई मानती हैं, अभी बिग बॉस के घर में भाई मानती है, और ये रिश्ता आगे तक भी चलेगा शायद। तो मैं उस टाइम पे इमोशनल हो गई थी थोड़ा, पर अब साना का क्या है ना, वो उतनी वैसी है नहीं, वो हंसी मजाक करने वाली हैं, खुले दिमाग की है, जो मन वो बोल देती हैं, और सॉरी भी सबको बोल देती है, पाँव छू छू के उन्होंने सॉरी बोला है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वो मतलब उनका ये कोई इंटेंशन से किया है उन्होंने। और यहाँ मेरे घर पे बारिश हो रही है, तो थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, तो सुन लेना भाई आप लोग, और मुझे सपोर्ट करते रहो भाई।
तो अफसाना जो है वो बहुत दिल की अच्छी हैं और उनकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है। सलमान ने उनको बाकी सारे बातें गिनवाई जो उन्होंने बोले थे, सारे समिता शेट्टी को जो बोले थे, विशाल को बोला था, सब उनको गिनवाया और उनसे पूछा कि आपने बोला है कि नहीं, यश और नो में आंसर करो। तो उन्होंने यस 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 बोला क्योंकि उन्होंने बोला था और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। विशाल को उन्होंने गे बोल दिया था तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। और उसके बाद सलमान ने उनको कहा कि एक सॉन्ग गाओ, तो फिर वो ना अपने ही सॉन्ग गाती, बोलती मैं प्री वेडिंग सॉन्ग है वो गाऊंगी। मतलब हर टाइम उसको ना मजाक ही सूझता है, पर वो गुस्से में वो कभी कभी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डॉक्टर आए थे उस टाइम पे भी वो कंट्रोल से बाहर थी एकदम। बिग बॉस मुझे घर जाना है, बिग बॉस मैं नहीं रहूँगी, बिग बॉस मेरा कोई नहीं है, ये सब बोल रही थी। पूरा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर वो मुझे लगता है कि वो दिल के बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इंटेंसली नहीं किया है, पर वो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और जो भी उन्होंने बोला वो सही नहीं था बिल्कुल भी, मैं उनको सही नहीं कह रही हूँ, वो बिल्कुल भी गलत था जो भी उन्होंने कहा है और किया है। पर ऐसा उनका ना अंदर से जो मन है ना वो बहुत साफ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मतलब ऐसा सोचती नहीं है, वो बस जो बोलना रहता है बोले जाती है बोल देती है, बस उनका वैसा कुछ इंटेंशन नहीं रहता है। तो आगे हम सलमान खान ने उनके क्लास ले ली और उनको समझा भी दिया, फिर उन्होंने अपना प्री वेडिंग वाला सॉन्ग भी गाया। और सलमान ने कहा ऐसा तुम करोगी तो भाई बाहर जो बैठा है वो तुमसे शादी करने वाला वो क्या करेगा भाई, ऐसा देख के कहीं भाग ना जाए। तो नहीं, अफसाना ने कहा कि नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद से सलमान भी उनको थोड़ा मजाक किया उन्होंने कि अभी गाना भी गाना है तो तुमको अपने ही का सॉन्ग प्रमोट करना है हाँ? तो वो थोड़ी हंस रही थी तब थोड़ा अच्छा लगा। और एक बात जो जब उनका ये सब बिहेवियर किया उन्होंने और डॉक्टर के पास से जब वो आई, उस टाइम पे जो बाकी सभी घर वालों का जो बिहेवियर था वो बहुत उनके साथ अच्छा था। तो आकाशा उनके पास गई, बातें की उन्होंने, और निशांत, प्रतीक ये लोग भी गए, आकाशा उनके पास गई, डोनल गई, उनसे गले मिली, बातें की। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जो गलत चीज़ें कही थी उनको वो उनको गिल्ट था अफसाना, क्योंकि मैंने ये सब बोला है मतलब गलती की है, तो गिल्ट था उनको, इसलिए वो ऐसा बिहेव किया उन्होंने अचानक से। और तो उन्होंने फिर सब लोगों ने अच्छे से बातें की तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। तो ये बिग बॉस के घर में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों ने मिल के उनको थोड़ा उनको चाहिए होता है थोड़ा सा, मतलब कोई समझाए, कोई प्यार से समझाए तो वो समझ जाते हैं। तो वैसे ही है उनका, तो उनसे सभी लोगों ने प्यार से बात की, सलमान ने भी अच्छे से थोड़ा लास्ट में बात की तो उनको बहुत अच्छा लगा, फिर वो हैप्पी हो गई और फिर से नॉर्मल हो गई। और एक चीज़ मुझे इस एपिसोड में देखने को मिला कि प्रतीक जाके अफसाना को समझा रहे थे कि वो सलमान जो भी बोलते हैं वो आपके लिए ही बोलते हैं, आपके लिए ही समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको जो सलमान ने उस दिन बोला था, समझाया था, वो अपने को भी मतलब ये मतलब उनको लगता है कि सलमान ने सही कहा था और उनके भलाई के लिए ही कहा था। तो उन्होंने अफसाना को भी यही समझाया कि वो जो भी बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो समझो इस बात को। तो अभी प्रतीक मुझे बहुत सही लग रहे हैं और विशाल अभी सही जा रहे हैं, शमिता शेट्टी सही जा रही हैं एकदम, और तेजा भी सही जा रही हैं, और बाकी का देखते हैं। सिम्बा को सलमान ने कहा कि अपने बॉक्स से बाहर निकलो, तो देखते हैं सिम्बा बॉक्स से कब बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं और क्या होने वाला है। सलमान ने कहा कि आगे कल और भी मस्ती धमाल होने वाला है, तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मुझे आप चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो आप कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। चलो ओके बाय बाय, टेक केयर और नमस्ते बिग बॉस। आप मुझे कब बुला रही हो बिग बॉस के घर में, जल्दी बताओ। मुख्य घर में, जंगल में, कहीं भी बुला दो यार। बिग बॉस के जंगल में बुलाओ या तो मुख्य घर में बुलाओ, कहीं भी बुलाओ। पर सुंदरी वेट करिए बिग बॉस, प्लीज़ बुला लो बिग बॉस कहीं। हाँ, और इन लोगों को समझाओ बिग बॉस, ये लोग मेरी वीडियो नहीं देखते। जल्दी जल्दी देखो, व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए, सब्सक्राइबर ज़्यादा आने चाहिए, समझ गए ना। परम सुंदरी बोल रही है, देख लो भाई, ये तो अच्छा नहीं होगा, समझ जाना। कैसे बिग बॉस आएंगे फिर मेरी नींद चुराएंगे और मैं फिर शर्माऊंगी। हाय बिग बॉस, कब आओगे प्लीज़, मुझे आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है बिग बॉस। प्लीज़ परम सुंदरी एक बार तो सुन लो बिग बॉस, प्लीज़ सुनोगे ना प्लीज़। सुनो। सोच के दिल मेरा चोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। बिग बॉस प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना बिग बॉस, प्लीज़ परम सुंदरी एक बार मेरी बात सुन लो बिग बॉस, परम सुंदरी की बात सुन लो बिग बॉस। हेलो गाइस, परम सुंदरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। ओके चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।